SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। सीमा हैदर के बाद अंजू की कहानी काफी सुर्खियों में बनती हुई नजर आई। जब अंजू ने अपने प्यार के लिए भारत को छोड़ पाकिस्तान में अपने कदम दाखिल किए, उसके बाद अंजू की काफी तस्वीरें सामने आई, प्री वेडिंग शूट भी देखा गया। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो के जरिए ये देखा गया कि यहाँ पर भारत में अपने पति को तलाक दिए बिना अंजू पाकिस्तान चली जाती है और अपने दोस्त नसरुल्ला से शादी कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर अंजू का किस्सा लगभग खत्म होता हुआ नजर आया, लेकिन इसी बीच क्या देखा जाता है कि अंजू की कहानी फिर से ट्रैक पर आती है। अंजू भारत लौटती है और भारत लौटते वक्त यहाँ पर देखा जाता है कि अंजू पाकिस्तान से तो लौटी, लेकिन बागा बॉर्डर के जरिए जब वो एंटर हो रही थी तो वहां पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और तमाम तरीके से आप देखिए कि पुलिस कस्टडी में वो नजर आई, पूछताछ उनसे की गई। लेकिन पूछताछ में सवालों के जवाब अंजू ने तो दिए और ये भी कहा कि भारत के बाद पाकिस्तान में जाने के बाद कोई भी ऐसी बदतमीजी उनके साथ नहीं हुई है, कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया गया है, पाकिस्तान में वो हंसी खुशी रह रही है। नसरुल्ला से शादी करने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, अंजू से वो फातिमा बन गई थी। लेकिन भारत आने के बाद फिर से खबरें काफी तेज होती हुई नजर आई, क्योंकि अंजू ने ये कहा कि वो भारत सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए वापस आई है। उनके दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों को वो वापस पाकिस्तान लेकर जाना चाहती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आ रहा है, जो खुद धर्म परिवर्तन कर चुकी है, जो पाकिस्तान में जाकर अंजू से फातिमा बन जाती हैं, क्या अपने बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहती हैं? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर वो भारत में सिर्फ अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए आई हैं। वो माँ जिन्होंने कई महीनों तक अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया, अब आती हैं और यहाँ पर अपने बच्चों को वापस ले जाने की मांग करती हुई देखी जाती हैं। क्या कुछ लगता है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।